हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीना सीविंग आर्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपको तिरछी पट्टी वाला ब्लाउज सिलना बताऊंगी कि कैसे तिरछी पट्टी वाला ब्लाउज सिलेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग आपको बताई है। देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट वाली प्लेट लाएंगे। ये प्लेट आपको आधे इंची पर दबानी है, यानी कि जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है वो आधे इंची पर दबेगी। और प्लेट लगाने के साथ ही हम थोड़ा सा धागा इसमें एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। देखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा धागा, लगभग 1 इंची का धागा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ये हमारी कमर की साइड की प्लेट है। ये कमर की साइड की प्लेट आपकी एक पैर दबानी, यानी आधे से आधे इंची इस प्लेट को दबाना है। इस प्लेट को ज़्यादा चौड़ा नहीं दबा जाता है, आधे से आधा इंची इस प्लेट को आपको दबाना है। और इसमें भी एक्स्ट्रा धागा हम छोड़ेंगे। अब देखिए, ये हमारी मुड्डे की साइड की प्लेट है। मुड्डे की साइड की प्लेट को हम थोड़ा सा ज़्यादा दबाते हैं, लगभग आधा इंच। इसको आप लगाइए ताकि जो हमारी मुड्डे में है वो झोल नहीं आता है, अच्छी प्लेट फिटिंग अच्छी बैठती है। और धागा ज़रूर एक्स्ट्रा छोड़िएगा ताकि प्लेटें जल्दी खुले नहीं। ये हमारी गले की साइड की प्लेट है, इस प्लेट को भी हम आधे से आधा इंच ही दबाएंगे। देखिए, ये मैंने प्लेटें लगा ली हैं दोनों पल्लों में। देखिए, इसमें प्लेट में दिखा रहे हैं। अब आपको नीचे वाली जो पट्टी है वो पट्टी लगानी है, तिरछी पट्टी। जो चौड़ा भाग है वो गले की साइड लगेगा, पतला भाग है वो कमर की साइड लगेगा। और इसको अच्छे से सेट करके हमें लगाना है। आपका थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, क्योंकि हमारी 1 इंची कपड़ा तो प्लेट में चला जाता है, इसलिए हमारी पट्टी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इस तरह दोनों पट्टियों को हम सेट करके लगा लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब कपड़े को नीचे की तरफ करके पट्टी के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। इससे देखने में पट्टी का लुक अच्छा लगता है। देखिए, इसके बाद हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। देखिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट कर हम निकाल लेंगे। देखिए, मैंने कमर की साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया काट के, और गले की साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया काट के। देखिए कितनी बढ़िया बैठ गया। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे और काज पट्टी लगाएंगे। बटन मतलब ब्लाउज है, इसलिए मैं बटन और काज पट्टी लगा रही हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा, बटन पट्टी में सीधे हाथ की तरफ जो होता है उसमें डबल पट्टी लगती है, यानी चौड़ी वाली पट्टी लगती है, और उल्टे हाथ की साइड पतली वाली पट्टी लगती है बटन में, जबकि काज में इसका उल्टा रहता है। काज में आपको सीधे हाथ की साइड जो है वो सिंगल पट्टी लगती है, और उल्टे हाथ की साइड डबल पट्टी लगती है। तो इस तरह हम पट्टी को लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। ये बटन पट्टी है, देखिए इस पर भी डबल सिलाई लगा लेंगे, देखने में लुक अच्छा आता है इसका। ये काज पट्टी है, काज पट्टी को आप ऊपर से भी सिलाई चला के बना सकते हैं, या फिर अंदर की तरफ भी सिलाई चला के बना सकते हैं। ऐसे अच्छे से सेट हो जाता है, बैठ जाता है कपड़ा बहुत बढ़िया। अब जो है, अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट करके निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे, नीचे से भी और गले की साइड से भी। और एक बार देख लेंगे सेट करके कि दोनों हमारी सिलाइयाँ एक साथ आ रही हैं कि, यानी प्लेट वाली सिलाई और हमारी तिरछी पट्टी वाली सिलाई एक साथ आ रही है कि नहीं। अब बटन पट्टी को मोड़ देंगे, मोड़ के इसको कच्ची सिलाई हम चला देंगे। इस पर आप कच्ची भी कर सकते हैं, पक्की भी कर सकते हैं, तुरपाई करके इस सिलाई को हम खोल देंगे। देखिए, हमारे दोनों पल्ले तैयार हो गए आगे वाले। अब पीछे वाले पल्ले पे हम प्लेट डालेंगे। प्लेट का निशान मैंने लगाना बताया था आपको कि प्लेट का निशान कैसे लगता है। पीछे वाले पल्ले पे भी प्लेट का निशान लगा के ऐसे हम दोनों प्लेटें डाल लेंगे। और धागा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे बाद में कटिंग करते वक्त धागे की, ताकि हमारी प्लेटें खुले नहीं जल्दी। अब इसको सेट करते हुए हम दे रखेंगे और कंधे की सिलाई मारेंगे। कंधे पर डबल सिलाई मारिएगा। देखिए, हमने कंधे की सिलाई मार दी। अब हमें गले की पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग मैंने काट ली है, पतली पतली पाइपिंग काट ली है। मैंने पाइपिंग का एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से कि पाइपिंग कैसे बढ़िया से लगती है।
उसमें आपको पूरी अच्छी तरह पता चल जाएगा कि पाइपिंग आप लगाएंगे बढ़िया गोल पाइपिंग, पतली पाइपिंग, मोटी, चाहे मोटी पाइपिंग कैसे आप लगा सकते हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अब मैंने ये पट्टी जोड़ ली है और फिर अब गले पे इसको मैं लगाने जा रही हूँ। इसमें हल्के हल्के पाइपिंग को खींचना है, कपड़े को नहीं खींचना है, सिर्फ पाइपिंग वाली पट्टी को हल्का हल्का खींचना है बस। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे भी बहुत अच्छी पाइपिंग लगनी चालू हो जाएगी। आप इसको सीखिए ज़रूर, बहुत अच्छी ट्रिक है, प्रैक्टिस से ये बहुत अच्छी पाइपिंग बैठती है। देखिए अब लग गया है, यहाँ पे मैंने पाइपिंग का कपड़ा लगा लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको काट देंगे। यहाँ पर हम इस पाइपिंग को ऐसे कपड़ा मोड़कर अब बनाएंगे। देखिए डबल कपड़ा ऐसे मोड़कर अब उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। यहाँ डबल सिलाई चला लेंगे शुरू में डबल सिलाई चला ली, और उसके बाद पाइपिंग वाले कपड़े को खींचते हुए और अंदर की तरफ डबल मोड़ते हुए सेट करेंगे, और फिर हम सिलाई चलाएंगे, ना पाइपिंग पे चलाएंगे ना कपड़े पर चलाएंगे, जो बीच में हमारी सिलाई दिखेगी उसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरह हमारी कितनी सुंदर पाइपिंग बैठ रही है। इस तरह हम धीरे धीरे पाइपिंग बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से पाइपिंग बनानी है। इस तरह हम धीरे धीरे देखिए पूरे गले में पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमारी पाइपिंग बनके तैयार हुई है। अब हमें बाजू जोड़नी है। बाजू हमने ये ले रखी है, कटिंग कर रखी है। बाजू का नीचे वाला हिस्सा जो है हम उसको कच्ची सिलाई कर लेंगे, उसे बाद में उभार के तुरपाई करेंगे। आप देख लीजिएगा दोनों एक ही साइड पे पल्ले की तरफ ना मुड़ जाए, ध्यान से मुड़िएगा। अब इसको आगे का हिस्सा आगे की तरफ और पीछे का हिस्सा पीछे की तरफ सेट करके हम इसको जोड़ेंगे पाइपिंग को, बाजू को। इसमें आपको किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से दोनों कपड़े को एकदम ढीले हाथ से जोड़ना है। अगर खिंचाव आ जाता है तो फिर ब्लाउज देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दोनों कपड़ों को बराबर सेट करते हुए जोड़ना है, और कंधे पर डबल बाजू पे डबल सिलाई चला लेंगे। देखिए इस तरह मैंने बाजू जोड़ दी है, अब दूसरी बाजू को भी इस तरह जोड़ देंगे। देखिए बाजू जोड़ के मैंने रेडी कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए पहले हमें हमारा जो नाप है उस अनुसार फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाली जो पल्ला है उसकी हम कच्ची सिलाई चला लेंगे, और उसी तरह आगे वाले पल्ले की भी कच्ची सिलाई चला लेंगे। दोनों की दोनों साइड का आप नाप लीजिएगा कि कुछ छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, उस अनुसार सिलाई चलाइएगा। देखिए मैंने सिलाई चला ली, और फिर हम एक सिलाई चलाएंगे अपने अनुसार। और नीचे से डबल कर देंगे ताकि उभरे नहीं। उसी तरह दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे। अब जो नाप है हम उस नाप के अनुसार पहले कमर को नाप लेंगे कि हमारी कमर कितनी हो रही है। देखिए कमर हमारी एकदम सही आ रही है, 28 इंच आ रही है, मुझे 28 ही कमर चाहिए। अब उसके बाद बाजू को नापेंगे, बाजू हमारा कितना आ रहा है, बाजू को नाप के सॉरी चेस्ट को नापेंगे, चेस्ट हमारा कितना आ रहा है, और उसके अनुसार देखेंगे कि हमें सिलाई कितनी कमर ज़्यादा करनी है। बाजू और चेस्ट का नाप लेके हम सिलाई चला देंगे। दोनों तरफ एक एक सिलाई और चला देंगे हम फिटिंग की। ये हमने फिटिंग की सिलाई चला दी। देखिए उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है
उसको कट कर देंगे। फिर ये जो कपड़ा है इसको मोड़ के एक सिलाई चला देंगे। देखिए ऐसे मोड़ के हमने सिलाई चला दी है। इसी तरह दोनों तरफ हम सिलाई चला देंगे। अभी हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। देखिए अब हम इसमें पिन लगाकर सेट करेंगे। अब फिर दोबारा नाप लेंगे चेस्ट का। चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो देखिए हमने नापा है इसको, तो हमारा एकदम परफेक्ट 34 इंच आ रहा है। आप इसको पूरा कपड़ा खोल के नापिएगा तब पता चलेगा। तो ये हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा?